हेलो बच्चों बच्चों कल हमने हमारा सुंदर घर के बारे में जाना। आज हम प्रतिभा में पाठ 10 हमारा सुंदर घर पाठ की पीपीटी देखेंगे। इस पीपीटी में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। मैंने कल आपको बताया था कि हमें अपना घर कैसा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हमारा घर सुंदर बन सकता है और हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम आज इस लेसन की पीपीटी देखेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है घर, है ना, और कितनी सफाई है इसके आसपास भी। ये ऐसा होता है सुंदर घर, एकदम सुंदर, है ना सुंदर घर। हमारा घर भी ऐसे ही साफ सुथरा और सुंदर होना चाहिए। तो आज हम इसकी पीपीटी देखेंगे। यह एक कहानी है जो स्वच्छता पर आधारित है। स्वच्छता यानी साफ सफाई ना। स्वच्छता का क्या मतलब होता है? साफ सफाई। कि हमारा घर सुंदर कैसे बन सकता है? साफ सफाई के द्वारा, स्वच्छता के द्वारा। ये देखिए मम्मी घर का काम करती है, घर को साफ रखती है। घर का पोछा लगाएगी मम्मी, सफाई करेगी, है ना, फर्श साफ करना, मेज साफ करना, दीवार पर जाले साफ करना। ये देखो पापा भी जाले साफ करते हैं कभी कभी, है ना। तो हम सब मिलकर घर की सफाई करते हैं, मम्मी भी करती है, पापा भी करते हैं, ताकि हमारा घर साफ रह सके, है ना, और सुंदर बन जाए। ये देखिए कैसे मम्मी एक एक दरवाजे को, खिड़की को, सबको साफ करती है। अब यहाँ देखो सभी बच्चे भी मिलकर सफाई कर रहे हैं घर की, है ना, सब लोग मिलकर घर की सफाई कर रहे हैं। तो आपको भी मम्मी पापा के कामों में हाथ बटाना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। थोड़े छोटे छोटे काम तो आप कर ही सकते हो, है ना। देखो इस पिक्चर में कितने सारे, इसमें सारे मम्मी पापा बच्चे भाई बहन सभी मिलकर सफाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया, जर्म्स, ये आ जाएंगे। गंदगी से जर्म्स आते हैं। ये देखो कितने गंदे गंदे जर्म्स हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि गंदगी में रहते हैं ये। ऐसे ऐसे जर्म्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर घुसकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, है ना। तो हमें इन जर्म्स को नहीं आने देना चाहिए और हमें सफाई रखनी चाहिए। अगर गंदगी नहीं होगी तो जर्म्स भी नहीं आएंगे। तो नेहा भी अपनी मम्मी को सफाई करते हुए देखकर पूछती है कि मम्मी आप ये रोज़ रोज़ सफाई क्यों करती हो ना। इस कहानी में नेहा नाम की एक लड़की है और यह उसकी मम्मी है जो सफाई कर रही है। नेहा सुबह उठती है तो देखती है कि मम्मी तो सफाई कर रही है, तो पूछती है मम्मी आप इतनी सफाई क्यों करते हो रोज़ रोज़। तो नेहा की मम्मी फिर उसे सफाई के बारे में बताती है कि अगर हम सफाई रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। नेहा को समझ में आता है कि हाँ, मैम ने भी बताया था कि हमें पीने के पानी को और खाने के सामान को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, ताकि उसमें गंदगी ना जाए, मक्खी मच्छर या किसी तरह का कोई रोगाणु बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं जाए। मम्मी खुश हो जाती है कि नेहा को उनकी बात समझ में आ गई कि हमें सफाई रखनी चाहिए, सफाई रखने से हम बीमार नहीं होंगे, है ना। तो नेहा की मम्मी खुश हो जाती हैं कि नेहा अब समझदार हो गई है। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर रखना चाहिए। जैसे नेहा ने उसकी मम्मी की बात सुनी, वैसे ही आपको भी अपनी मम्मी की बात सुनना चाहिए और सही सभी सामान को अपनी जगह पर रखना चाहिए, घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। ठीक है बच्चों।